मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस के आखिरी सीट पर इस दिग्गज नेता को मिला टिकट। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस दिग्गज नेता को मिला अंतिम सीट पर टिकट क्या है। जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप इनसे लाभान्वित हो सकें। आई बढ़ते अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों, एमपी उपचुनाव 2020 में कांग्रेस से ब्यावरा विधानसभा से रामचंद्र दांगी को मिला टिकट। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पिछली सूची में अटकी ब्यावरा विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने गुरुवार को कर दी। पार्टी ने रामचंद्र दांगी को ब्यावरा विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले कांग्रेस ने 11 सितंबर को अपनी पहली सूची में 15 उम्मीदवार घोषित किए थे, दूसरी सूची में 9 और तीसरी सूची में 4 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई थी। इसमें बदनावर सीट पर पार्टी ने प्रत्याशी बदला था। गुरुवार को शेष ब्यावरा सीट पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 15 सितंबर को कांग्रेस विधानसभा विधायक गोवर्धन दांगी के निधन से रिक्त हुई ब्यावरा सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी पर भरोसा जताया है जिनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पंवार से होगा। 3 नवम्बर को मतदान होना है, वहीं 10 नवम्बर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा।